जी पढ़े लिखे केवल राहुल गांधी है। गौरव भाटिया ऑडियो को दुरुस्त करिए, एक सेकंड, कुछ ऑडियो में दिक्कत है। अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, गौरव भाटिया तो अब अनपढ़ हो गए, लेकिन समझदार कांग्रेस के कई नेता हैं जो 3 मिनट में आकलन कर लेते हैं। आप डॉक्टर हैं, आप इतनी जल्दी एक्सरे कर पाते हैं किसी पैकेज का? कांग्रेस की समस्या देखिए, कांग्रेस की समस्या है ना कि कांग्रेस कंफ्यूज हो गई है। आज कल प्रधानमंत्री ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में आत्मनिर्भर शब्द का कम से कम 25 बार प्रयोग किया होगा, लेकिन कांग्रेस को आत्मनिर्भर तो समझ कभी आएगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस अपने नेता को आत्मनिर्भर बना ही नहीं सकी, तो आत्मनिर्भरता कहां से समझ में आएगी। आज निर्मला सीतारमन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते के साथ उन्होंने कहा कि मैं पैकेज के हर स्टेप की घोषणा हर अलग अलग दिन करूंगी, और आज मेरा स्टेप है एमएसएमई, छोटे मध्यम और कुटीर लघु उद्योग। ये भाई साहब बात कर रहे थे अभी, प्रवासी मजदूर के हाथ में पैसे नहीं दिए, उसकी घोषणा नहीं की। आज तो पहला स्टेप अनाउंस हुआ है, और एमएसएमई प्रवासी मजदूर नहीं चलाते हैं गौरव जी, एमएसएमई कंपनीज होती हैं, वो कंपनीज जो बंद हो गई हैं, जिसके कारण मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, जिसके कारण वो घर वापस लौट रहे हैं। जब तक कंपनीज नहीं चलाएंगे तो मजदूर को रोजगार कहां से देंगे, चांद पे ले जाके? और कंपनी चलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी कंपनी को पैसा नहीं देंगे, कंपनी के लिए एक स्ट्रक्चर किया है कि कंपनी लोन ले सकती है। इस लोन की खासियत जानी है, बिना कोलैटरल के लोन ये मिलेगा, 3 लाख करोड़ तक का लोन मिलेगा, 12 महीने तक इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है, ये सब इस लोन की खासियत है। तो एक बार कंपनी को जो गाड़ी गौरव जी बंद हो जाती है ना, बैटरी डाउन जब हो जाता है, जो अभी हमारी देश की इकोनॉमी की हालत है, तो उसको धक्का देकर स्टार्ट करना होता है। तो एक बार गाड़ी जब स्टार्ट हो जाती है, 24-25 घंटे चलने लगती है, तो गाड़ी की बैटरी खुद ब खुद चार्ज हो जाती है। ये होती है आत्मनिर्भरता। तो इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? अब रही बात आपके प्रवासी मजदूर, प्रवासी मजदूरों को ऑलरेडी पैसा जितना जा चुका है, और एक थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, आप तो धैर्य यहाँ टीवी पे भी खो देते हैं, पहले भी खो देते हैं। नहीं, आपका आवाज अभी जब कल सेकंड स्टेप में निर्मला सीतारमन जी अपना दूसरी घोषणा करेंगी, कम आ रही थी इसलिए बोला। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर का अभी लगातार 3-4 दिन घोषणा होते रहेगा, तो हर दिन क्या घोषणा करती है उस पर अपनी राय रखिए। आज प्रवासी मजदूरों पर प्रवचन देने का दिन नहीं है, आज ये प्रवचन दीजिए कि एमएसएमई के लिए जितना सरकार ने किया है, क्या आपको वो कम लगता है या ज्यादा लगता है या ठीक लगता है, या आपको लगता है कि नहीं कुछ नहीं किया? मेरे हिसाब से बहुत कुछ किया, क्योंकि कंपनीज को सरकार पैसे नहीं दे सकती कि तुम्हारा ये नुकसान हुआ है, तुम ये नुकसान पूरा करो। नहीं, सरकार एक प्रोत्साहन दे रही है, सरकार ने 3 लाख करोड़ का एक बजट दिया है, उनको बिना गारंटी के लोन मिलेगा और उसे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। गौरव, 30 सेकंड में जवाब बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एमएसएमई को कुछ स्तर तक अप टू 10 से 20 लाख तक बिना कोलेट्रल के आज भी लोन मिलता, आपको शायद पता नहीं। दूसरी बात, डॉक्टर साहब आपने कहा एमएसएमई प्रवासी नहीं चलाते, भाई साहब ये लोन 100 करोड़ तक का है। प्लीज, प्लीज प्लीज बीच में बात में बीच में मत काटिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। फिर आपने कहा प्रवासी नहीं चलाते, बिना पढ़े हुए आप बोल रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, आपको जानकारी कम है, नौकरी तो 100 करोड़ तक का लोन है, मेरे को नहीं है, पर आप सुन तो सकते हैं ना मेरी बात, आप ही में है सारी जानकारी, पर मेरी बात तो सुन सकते हैं। फिर आपने कहा प्रवासी नहीं चलाते, तो प्रवासी एमएसएमई के यहाँ नौकरी करते हैं डॉक्टर साहब, तो हम ये चाह रहे थे कि एमएसएमई को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करते, ताकि वो मार्च और अप्रैल और मई की प्रवासियों के घर सैलरी भिजवाते, वो सैलरी भिजवाते ना तो वो बेरोजगार नहीं होते, उनके यहाँ भुखमरी का संकट नहीं पैदा होता डॉक्टर साहब, ये मैं कहना चाह रहा था, अब आप मेरी बात समझ जाएंगे। तीसरी बात मैं आपसे भी पूछता हूँ डॉक्टर साहब, आप तो विश्व के तमाम विषयों के जानकार है, 6 लाख करोड़ का आज पैकेज की घोषणा हुई डॉक्टर साहब, इसमें एक पैसा भी एडिशनल इंक्रीमेंट छोटा रखे छोटा बोले जिससे सबको मौका मिले। गौरव गौरव वल्लभ, आपने 40-50 सेकंड बोल लिया,